एक साधक और गैर साधक के अंतिम समय में क्या फर्क होता है? मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। इस सवाल किया है हमारे किसी यूट्यूब व्यूअर ने। इसको मैं बड़े ही प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के अंतिम समय का अध्ययन किया। एक साधक का अर्थ है जो अपने जीवन में आत्म कल्याण की राह पर चल रहा है, जो अपने भीतर चक्रों पर भी काम करता है, अपने भीतर की ऊर्जा को संग्रहित करता है, ऊपर उठाने का प्रयास करता है अपने जीवन को। ऐसे साधक का जीवन जिसका अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, परमात्मा को पाना है, आंतरिक खुशी आंतरिक आनंद को पाना है। और गैर साधक का अर्थ मैं कह रहा हूं कि उन लोगों से जिनकी यात्रा संसार की तरफ है, संसार की तरफ, वो संसार की खुशियां बटोरने में लग रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, जिनको केवल बाहर का ही यात्रा का पता है, ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा कर लूं, सुविधाएं इकट्ठे कर लूं, परिवार को खुश कर लूं, बस इसके अलावा उनकी जिंदगी का कोई महान लक्ष्य नहीं है। ऐसे लोग जब अंतिम समय में पहुंचते हैं तो क्या फर्क होता है? बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। जिंदगी के दौरान भी उनका मन उन्हें बार बार कचोटता है, कहीं ना कहीं उन्हें बार बार एक ठोकर लगती है, उन्हें कहा जाता है कि तुम जीवन में कुछ मिस कर रहे हो। ऐसे लोग कई बार बड़े हताश और निराश हो जाते हैं जिन लोगों के जीवन में परमात्मा का लक्ष्य नहीं होता। इसलिए बीच बीच में भी मन उनको याद दिलाता रहता है, और जीवन के अंतिम समय में आकर शायद उनकी कॉन्शियसनेस जब जागती है तो उन्हें बहुत पछतावा होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। मैंने बड़े बड़े लोगों को दुखी होते हुए देखा है। एक हमारे सिस्टर हैं, हमारे बहन हैं, उनके ससुर जी जो कि हरियाणा में सोनीपत करके एक जगह है, वहाँ पर रहते थे। बड़ा ही ऊंचा लंबा उनका शरीर, उनका कद था, और बहुत ही भारी भरकम और बहुत ही रौबदार उनका बिहेवियर था। तो लोगों के ऊपर अपना रोब झाड़ते रहते, और अंतिम समय जब आया, अंतिम समय में हमने उनको एक भीगी बिल्ली की तरह डरते हुए देखा, अंतर अपने घर के अंदर लेटे रहते, और उन्हें बार बार कुछ बाहर दिखाई पड़ता, कुछ साए दिखाई पड़ते जो उनके आसपास मंडराते रहते, और ये चिल्लाते बड़ी जोर से, हे माँ मुझे बचा ले, हे माँ मुझे बचा ले, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे ले जाएंगे, अपने साथ ले जाएंगे, मैं मर जाऊँगा, मैं नहीं मरना चाहता, मैं नहीं मरना चाहता। शरीर के अंदर साथ एक जबरदस्त मोह था, इन्हें जबरदस्त मोह था, क्योंकि सारा जीवन इसी शरीर को मैं समझ कर जिया, सारा जीवन शरीर को मैं समझ कर जिया, उसी को पाला पोसा बड़ा किया, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीजें, बस अपना फोकस पूरी तरह अपने शरीर पर और शरीर के साथ जुड़ी हुई चीजों पर। दूसरी तरफ मैंने उन लोगों को भी मरते हुए देखा है जिन लोगों ने जीवन में कमाई की, साधना की, समय बिताया, अमृत वेले में उठे, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर तीन तीन चार चार घंटे साधना किया करते थे। मैंने उनका अंतिम समय देखा, चार पांच दिन पहले उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि हाँ मैं जाने वाला हूं। चार पांच दिन पहले दिन बता दिया कि पांच दिन बाद इतने बजे मैं चला जाऊंगा, और घर के सभी लोगों को बड़े प्यार से निपटाया, सभी से मिले, सभी रिश्तेदारों को बुला लिया, बड़े प्यार से एक एक को विदा किया, बस हाथ जोड़ते गए, प्यार से आशीर्वाद देते गए, छोटों को बड़ों को जो मिला, जिस प्यार से जो जीवन में कमाई करी थी वो खुशियां, उनके चेहरे पर एक अजीब चमक थी जब उन्होंने अपनी मृत्यु की घोषणा की, अजीब चमक थी। तो जिसके लिए कबीर जी ने फरमाया कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। उनकी ऐसी अवस्था थी कि जैसे वो एक महान उपलब्धि को पाने वाले हैं, कोई कोई पूछता तो बताते नहीं थे। फॉर्चुनेटली वो हमें जानते थे, उन्होंने जाने जिस दिन अगले सुबह जाना था उन्हें रात्रि समय हम सबको बुलाया, सिर्फ चार लोगों को, उन चार सौभाग्यशाली लोगों में से मैं भी एक था, जो हम उनके पास बैठे। हमें उन्होंने कहा कि सारी रात मेडिटेशन करो, किसी ने नहीं सोना, वो भी खुद बैठे रहे।
सारी रात हमने मिलकर मेडिटेशन किया। उनकी चेतना से, उनकी आत्मा से एक ऐसा दिव्य प्रकाश उस समय में निकल रहा था कि मानो बस चेतना अपनी पूर्णता की ओर आ गई हो। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाए हो पूर्ण परमानंद, मानो इंतजार था जैसे शादी की घड़ी नहीं होती। शादी के लिए लोग ऐसे दिल में उत्साह के कारण बैठे रहते हैं, बस ऐसा ही खेल इनके चेहरे पर लग रहा था। एक नूर व्याप्त था, सारी रात हम उनके पास बैठे रहे, सारी रात मेडिटेशन चलता रहा। हम लोगों ने चैंटिंग करी, फिर बीच बीच में कहते उठकर डांस करो, नचाते खूब नचाते, फिर कहते चलो अभी फिर बैठ जाओ, फिर मेडिटेशन करते। खूब प्यार से चाय पानी चलता रहा सारी रात मेडिटेशन। सुबह 3 बजे होंगे उठे, फिर कहा कि बस हम सब की तरफ हाथ जोड़े, बस अब तैयारी है, अब सब दूर होकर बैठ जाओ। पहले सब हम एक साथ नीचे बैठे हुए थे, फिर वो ऊपर जाकर अपने बिस्तर पर विराज बैठ गए और बिल्कुल सीधे एकदम वो फुल लोटस पोस्चर में बैठे और एकदम ध्यान लगाया, गर्दन को हल्का सा ऊपर कर लिया और एक ऐसे दिव्य आनंद में लीन हो गए। दिखाई दे रहा था चेहरे पर एक ऐसा प्रकाश, हम लगातार देख रहे थे उन्हें। रात का समय था, उन्होंने कहा प्रकाश भी नहीं, लाइट नहीं चाहिए। बिल्कुल हल्की सी लाइट जल रही थी, लेकिन उस लाइट से कई गुना ज्यादा लाइट उनके चेहरे पर थी। दिव्य प्रकाश ऐसा फैला हुआ था, मानो एक महा आनंद, परमात्मा से मिलने का वो भाव। अंतिम समय में हमने उनके चेहरों से टप टप आंसू बह रहे हैं, खुशी के आंसू, और चेहरे पर ऐसा तेज, ऐसा प्रकाश कि देखते ही बनता था, मानो वो आ गया है जिसके इंतजार थे। बस यही वो समय था जिसके इंतजार में तरस रहे थे वो, खुशी के साथ आनंद के साथ। आहा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बस यही आखिरी शब्द निकले, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद करके ये पवित्र शब्द मुंह से निकले और वो अपने आनंद में लीन हो गए। फिर गर्दन नीचे लटक गई, लेकिन क्या क्या इस शरीर का जाना और क्या आना, इतना आनंद चेहरे पर, बाकी जो मर्जी हो, लेकिन ऐसा महा आनंद खुद भी पाया, संसार को भी देकर गए। ये है विदाई, ये है संसार से जाना। किसी शायर ने कहा कि कौन कहता है कि आशिक मर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए, इस संसार रूपी कैद से छूटकर अपने परमात्मा रूपी घर में चले गए, उस महानंद में लीन हो गए। हमें भी सोचना है कि हमें कौन सी मृत्यु चाहिए, एक डरी हुई भयानक मृत्यु या एक आनंदमयी मृत्यु। इसके लिए अभी से प्रयास करना पड़ेगा। अंतिम समय में वो जो ब्रह्म मुहूर्त था, उस ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने उस परम अवस्था को प्राप्त किया। ये ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही कीमती है, इसे संभाल लेना, जरूर संभाल लेना। मैंने पाया कि अंतिम समय में बहुत सारे महान आत्माओं को मैंने ब्रह्म मुहूर्त में जाते हुए देखा। तो ऐसे जो लोग, अगर आपने भी ऐसा कोई अनुभव कभी हुआ हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।